अस्सलाम वालेकुम। आज हम अमेज़ॉन का जो सेकंड बिज़नेस मॉडल है जो हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है VA कोर्स, इसमें ऑलरेडी हम जो है वो थॉरली पढ़ चुके हैं प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है। इसके बाद फिर हम होलसेल को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो बिज़नेस है, इसमें पहले भी स्टार्ट में जो लेक्चर है उसमें डिस्कशन हो चुकी हुई है हमारी, तो इसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल से या फिर इसको स्टडी करेंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स विद द सोल इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग दोज प्रोडक्ट एट ए हायर प्राइस फॉर ए प्रॉफिट ऑन एन अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस सच एज अमेजोन, ईबे और फेसबुक मार्केट प्लेस। हम ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोसेस क्या है कि इसमें हम एक रिटेलर से प्रोडक्ट को बाय करते हैं, और बाय क्यों करते हैं, दूसरे रिटेलर स्टोर के ऊपर सेल करने के लिए। तो हम एक रिटेल स्टोर से उसको सस्ती यानी चीप प्रोडक्ट बाय करते हैं, और दूसरे ऑनलाइन रिटेल स्टोर के ऊपर हम उसको हाई प्राइस के ऊपर सेल कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा फोकस जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर है ना, कि अमेज़ॉन के ऊपर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन के ऊपर आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे, अमेज़ॉन से भी हम ढूंढ सकते हैं उसको। सपोज़ अगर हमने अमेज़ॉन से वो प्रोडक्ट ढूंढी है, फिर हम देखेंगे कि ये किसी और रिटेल स्टोर के ऊपर कितने की सेल हो रही है। सपोज़ अमेज़ॉन पर वो $30 की सेल हो रही है, तो कहीं और से हमें जो है वो $10 की $15 की मिल रही है, तो हम उसमें अमेज़ॉन की फीसिस निकाल के हम देखते हैं कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा है, तो हम वो चीज़ वहाँ से बाय कर लेते हैं, और उसके 5 यूनिट 10 यूनिट्स यानी जितनी वो लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बाय कर लेते हैं, और बाय करके हम अमेज़ॉन के लिए प्रेप करवाते हैं उसको, यानी एक मिडल मैन हायर करते हैं जो क्या करता है, हमारे जो रिटेलर स्टोर से प्रोडक्ट पहले उसके पास जाती है, वो सारे यूनिट चेक करता है, चेक करने के बाद उसको दोबारा वो अमेज़ॉन के लिए प्रेप करता है, प्रिपेयर करता है उसको, ठीक है। और फिर हम उसको कोड भी अमेज़ॉन से जो शिपमेंट प्लान बनाते हैं, तो UPC कोड जो अमेज़ॉन के बार कोड्स हैं वो हम डाउनलोड करके देते हैं, वो उसको लगाता है, फिर अमेज़ॉन पर शिप हो जाती है, फिर हम उसको प्रोडक्ट को जो है ना वो सेल करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो प्रोसेस है ऑनलाइन आर्बिट्राज का, कि एक रिटेलर से चीज़ को बाय की और दूसरे रिटेल स्टोर के ऊपर हमने उसको सेल कर दी, ठीक है। ये इसका सारा प्रोसेस है। फर्स्ट में क्या है जी, बाय चीपली फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स, वहाँ से हम सस्ती चीज़ खरीदेंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या है, प्रोडक्ट्स गेट सेंड टू यू और टू प्रेप सेंटर, और उसको फिर प्रेप सेंटर में हम सेंड करते हैं। थर्ड स्टेप में द प्रोडक्ट आर सेंड टू अमेज़ॉन, यानी प्रेप सेंटर से अमेज़ॉन चली गई, फिर क्या करते हैं, इट सेल्स ऑन अमेज़ॉन फॉर ए हाई प्राइस, क्योंकि हमने अमेज़ॉन पे हाई प्राइस पे उसको लगाया होता है, तो जब वो सेल होती है यू मेक प्रॉफिट आफ्टर फीस, तो अमेज़ॉन की फ़ीस डिटेक्ट होने के बाद उसमें से आपको प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो इसकी हम जो है वो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यानी ये अभी हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। सपोज़ यहाँ मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे मैंने ओपन की है। आप कोई भी अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस आप ओपन कर लें, अमेज़ॉन US ओपन कर लें, amazon.co.uk ओपन कर लें, या जिस मार्केट प्लेस में आप जो है वो सेलिंग करना चाहते हैं, तो ये इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर में जाता हूँ, यानी जो इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो ओपन हो जाएंगी जी। ये आ गई जी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, क्लॉथिंग शूज़ ज्वेलरी, और इसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में है, ये डिफरेंट हर कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सपोज़ इसमें से मैं कोई एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ये एक प्रोडक्ट ओपन, तो यहाँ सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है
वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये देखें, ये इसको अमेजोन चॉइस मिला हुआ है, यानी ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है। आप क्या करेंगे, राइट साइड पे जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा, यहाँ बताया होगा नंबर ऑफ सेलर्स शो होंगे यहाँ पे आपको, ये देखें न्यू एंड यूज कितने हैं जी, नंबर ऑफ सेलर 10 सेलर हैं। आप ये नंबर ऑफ सेलर ओपन कर लें, ये भी ओपन हो जाती है, ये देखें, ये फर्स्ट सेलर जो आता है ना, तो इससे मुराद ये होता है कि ये अभी जो बाय बॉक्स है वो इसके पास है, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट आता है बाय बॉक्स, ठीक है। बाय बॉक्स से मुराद ये है कि देखे ना, ये एक ब्रांड है और इस ब्रांड के ऊपर उसकी जो लिस्टिंग है, यानी ये समझ लें कि जो ब्रांड की दुकान यहाँ पे लगी हुई है अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे 10 लोग जो है वो अपनी अपनी इन्वेंट्री या अपना अपना माल सेल कर रहे हैं सेम इसी ब्रांड का। तो ये 10 लोग हैं, तो उसमें अभी जो करंटली बाय बॉक्स है वो पहले ही इस सेलर के पास है। ये 23 और 61 सेंट की ये सेल कर रहा है। अब सी मोर में जब आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा amazon.com, और नीचे क्या आया है amazon.com। ये देखिएगा ज़रा, ship from amazon.com sold by amazon, इसका मतलब है कि ये amazon से ship हो रही है और amazon खुद इसको सेल कर रहा है। तो हम होलसेल में और आर्बिट्राज में ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं जो अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा हो। अब अगला ही बात यह है कि अमेज़ॉन क्यों सेल कर रहा होता है, तो अमेज़ॉन अपना बिज़नेस भी करता है, और समटाइम वो ये करता है कि कुछ ऐसी लिस्टिंग होती है जहाँ पे सेलर जो बैठे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस, हाई प्राइस लगा कर बैठे होते हैं, तो अमेज़ॉन उन प्राइसेस, उसकी प्राइस को स्टेबल करने के लिए वहाँ जा कर बैठ जाता है। क्योंकि जब तक अमेज़ॉन की फ़ीस कम, अमेज़ॉन कम प्राइस पे सेल करेगा, तो बाय बॉक्स फिर रोटेशन उसको मिलेगी जो उससे कम सेल करेगा। तो इसलिए अमेज़ॉन बाज़ का जाके इसलिए बैठ जाता है। अब वो अमेज़ॉन कैसे बैठता है कि वो इसी ब्रांड से इन्वेंट्री खरीदता है और अपने वेयर हाउस से उसको फिर जब ऑर्डर आता है शिप कर देता है। तो अमेज़ॉन 1,000, 2,000, 5,000 तक की इन्वेंट्री खरीद के बैठा होता है, तो प्राइस को स्टेबल करने के लिए। और बाज़ का जो है वो खुद अपना बिज़नेस वो कर रहा होता है अमेज़ॉन, ठीक है। तो इसलिए हम आर्बिट्राज में ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं जो अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर्पज़ हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन में, यानी आपको ओवरव्यू देना है कि ताकि आपको इसका इंटरफेस पता चल जाए। अब दूसरा सेलर देखें, शिप फ्रॉम, ये किसी ने काफ़ी बड़ा नाम रखा हुआ है, ये देखिए ज़रा, और सोल्ड बाय भी ये आ रहा है। तो ये चांसेस हैं कि ये जो बंदा है ये ड्रॉप शिपर है, ठीक है, ये भी चांसेस है, क्योंकि ये बंदा FBM कर रहा है, यानी इसमें एक कंसेप्ट होता है FBA और एक FBA। FBA क्या है, फुलफिल बाय Amazon, फुलफिलमेंट बाय Amazon, और FBM है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। ये PL में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। यानी FBA का मतलब है कि हमने इन्वेंट्री खरीदी और Amazon वेयर हाउस भेज दी, अब जो शिपमेंट है यानी ऑर्डर आने पे कस्टमर को जो डिलीवरी है वो Amazon खुद करेगा, इसको FBA कहते हैं। और FBM से मुराद है कि जब ऑर्डर आएगा, कस्टमर ऑर्डर देगा, तो हम अपने वेयर हाउस से या ख़ुद हम उसको शिप करेंगे। तो ये जो बंदा दूसरा सेलर बैठा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये FBM कर रहा है। फिर जो तीसरा है वो भी है, वो LLC JS इनोवेट LLC, ये भी क्या कर रहा है, ये FBM कर रहा है। अब इसमें होता है बाज़ का, बाज़ लोगों ने अपने उनके प्रेप सेंटर होते हैं, तो क्योंकि FBM पे जो ना फीसिस कम होती है, Amazon की फीसिस ज़्यादा हाई होती है स्टॉक को रखने की, और बाकी जो सारी डिलीवरी तक की Amazon की फीसिस ज़्यादा हाई होती है। तो बाज़ लोग जो है वो उन्होंने अपने प्राइवेट प्रेप सेंटर रखे होते हैं या प्रेप सर्विस वो यूज़ कर रहे होते हैं, लॉजिस्टिक सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो खुद से भी माल स्टॉक करके तो वह कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। और बाज़ इसमें ये होता है कि उन्होंने कोई चीज़ परचेज़ नहीं की होती,
वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है और वहाँ से परचेज़ करके उसी कस्टमर का एड्रेस उनको देंगे और वहाँ से चीज़ सीधा कस्टमर को पहुँच जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब ये देखें ना, ये एक अमेज़ॉन वेयर हाउस और amazon.com शिप फ्रॉम अमेज़ॉन और सोल्ड बाय अमेज़ॉन वेयर हाउस। तो यहाँ दूसरी लिस्टिंग आ गई अमेज़ॉन की अपनी। फिर इसी तरह नेक्स्ट देखें, फिर अमेज़ॉन वेयर हाउस और आगे ये भी FBM कर रहा है। नेक्स्ट फिर देखें ये $30 प्राइस ला रहा है, ये भी देखें ये भी FBM कर रहा है, ये भी FBM है और ये भी FBM। तो इसमें देख लें ये 51 प्राइस, 36, 30, ये 26 है, ये 20 है। देखें Amazon वेयर उसकी प्राइस सबसे कम है 20 है और यहाँ भी 20 है और ये भी 20 है। जो Amazon की लिस्टिंग है वो देखें और बाकी जो है उनकी प्राइसेस जो हैं वो हाई है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको देख लेते हैं। ये जो पहले आ रहा है ना लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, अभी बाय बॉक्स इसके पास है। ये क्या है, ये कौन है? Amazon है। साइन नहीं है, जो पहली लिस्टिंग आ रही है वो है, साइन कोई भी नहीं है इस पर। जो पहले शो हो रहा है ना यहाँ, टाइम सिर्फ शो हो रहा है, ये देखें मंडे अगस्त 7 ऑन ऑर्डर शिपमेंट बाय Amazon ओवर $25 आर फास्टर डिलीवरी फ्राइडे अगस्त 4 ऑर्डर विद इन 16 hours 3 minutes, ठीक है। ये सिर्फ अगर आपने देखना है कि बाय बॉक्स अभी किसके पास है, तो जो पहले आ रहा है उसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। बाकी वो आगे टूल्स हैं उनके थ्रू हम उसमें देखते हैं बस। तो ये अभी मैं आपको आर्बिट्राज के लिए बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे देखते हैं, कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर समझ लें कि ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं तो उसको हम होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हम कर सकते हैं। वो अगली बात है उस प्रोडक्ट को अवैल्यूएट करना, नेक्स्ट अगला स्टेप है कि उसको अवैल्यूएट करना, ठीक है, और इसकी अवैल्यूएशन के लिए। अब सपोज़ अगर हमने इस प्रोडक्ट को अवैल्यूएट कर लिया है, अवैल्यूएट करने के बाद तो हम देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमें कहीं से मिल रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका टाइटल कॉपी करके इसको सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, या इसकी पिक्चर लेके हम पिक्चर को सर्च कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। सपोज़ आप पहले गूगल ओपन कर लें और यहाँ पे अगर हम देखें तो उस प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट है, इसका टाइटल है, ये देखना है, ये फ्री सिप इंसोलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ओवाला लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया है। अच्छा, इसमें आपने मेक श्योर कर लेना है जी, पहली चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने जो क्रोम की सेटिंग है उसमें US सेलेक्ट किया हो। ये देखना, ये डायरेक्ट ओवाला life.com, ये उसकी डायरेक्ट उसकी अपनी वेबसाइट ओपन हो, ये आपको शो हो रही है, ये देखें, यानी जो जो प्रोडक्ट है इसका जो मैन्युफैक्चरर है या इसका जो ब्रांड है वो खुद भी इसको सेल कर रहा है। ये आगे Amazon के ऊपर, ये टारगेट, ये भी एक होलसेलर है टारगेट, तो इसके भी शो हो रहा है 24 hours स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल। अब देखना इसमें जब आप इसको देखेंगे तो आप ये देखेंगे Amazon पे ये कितने hours की है, 24 hours की है, तो यहाँ जो हमें शो हो रही है वो भी 24 hours की है। तो नीचे देखें इसकी प्राइस आ रही है $22.39 और यहाँ पे क्या इसकी 23.61। तो इसका मतलब अगर हम टारगेट से बाय करते हैं तो उसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी प्राइस ये देखें ना, यहाँ पे ओवाला फ्री सीप इंसोलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल विद विद लुकिंग पुश, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है।
अब 24 आउंस, 32 आउंस, 40 आउंस, और कितने की? $32 की। अब पता नहीं ये एक दे रहे हैं या तीन दे रहे हैं, ये सॉरी ये तो अमेजोन का है ना, इसको नहीं देखेंगे, टारगेट को देखें। अब देखें सैम्स क्लब है, ये भी एक होलसेलर नहीं है, रिटेलर है ये भी, ठीक है, ये 22 की है इस पर। और वाला फ्री सिप ये यहाँ पे कितने की है? 31 की है, 6 डिलीवरी चार्जेस है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ से हमें ये सस्ती मिलती है हम वहाँ से क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मकसद है आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज का ओवरव्यू देना कि हम इसमें काम कैसे करते हैं, यानी एक प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे देखी, फिर हम जाके उसको यहाँ से ढूंढते हैं कि मुख्तलिफ सप्लायर इसको कितने की दे रहे हैं। सपोज अगर मैं इसी पे देख लूँ, इसको ओपन करता हूँ कि ये कितने की दे रहे हैं, हाँ जी, वो आप पिक्चर के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखें ना, ये वो कर ही देता हूँ मैं, यहाँ से हम इसकी एक पिक्चर लेते हैं, सपोज ये पिक्चर ली है, ये पिक्चर ले लें या देख लेते हैं क्या है इसकी। फ्री सिप साइजेस हैं इसके डिफरेंट, देखें ना ये सारे कलर और कलर वेरिएशंस भी इसमें हैं सारी, और साइज़ भी हैं, ये कलर की वेरिएशंस हैं, और ये 24 आवर्स, 32, 40, और नीचे इनकी प्राइस ही है, 40 की प्राइस 37 है, 30 आवर्स की 32 है, 24 की 23 है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमें मिलती है हम वो उसको ले लेंगे। तो पिक्चर अब देखें ना कि अब डिपेंड करता है कि पिक्चर्स जब आपने सर्च कर रही हैं कि आपने किस साइज़ की पिक्चर लेनी है। सपोज ये है, इसको कर लें, पहले ओपन कर लें, ओपन कर लें, ओपन करने के बाद आप राइट क्लिक करके इसको सेव कर लें, सेव इमेज कर लें। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट भी ऑप्शन आ जाती है सर्च इमेज विद गूगल, यहाँ भी आप ऐसे क्लिक कर दें, ये शॉर्टली आप जो है ना ये देखें, अब ये गूगल लेंस ओपन हो गया, ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। हमने जी वहाँ पे ये ओपन किया था, इसका अपना अपना स्टोर ओपन किया था, ये साइड पे देखना, ये गूगल लेंस आ रहा है अभी, अपलोड कर रहा है इस पिक्चर को, ये देखें वो वाला जो ये बॉटल है, इसका अपना ये स्टोर है, ये सारे कलर्स हैं, ये 27.99 की है, कौन सी? 24 आवर्स, और ये वाला कलर है जी इसका नियो सेज, ये कलर है, इसका कलर का नाम है, और ये 27.99 की है। कहते हैं पे इन 4 इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट फॉर ऑर्डर ओवर $50। अच्छा, इसमें बाज़ का हमें नज़र आ रहा होता है कि यहाँ इसमें तो हमें प्रॉफिट नहीं बच रहा, तो बाज़ का जो है ना यहाँ पे जब आप देखें ना ऑफ़र लगी होती हैं, कूपन्स होते हैं इनके, वो कूपन परचेज़ कर लें, वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाती है, फ्री शिपिंग मिल जाती है, या आप वो कहते हैं कि $100+ का ऑर्डर परचेज़ करें तो 20% आपको डिस्काउंट मिल जाती है, या 500+ ऑर्डर परचेज़ करें तो उसमें आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिल जाती है। तो जब हम वो सारी डिस्काउंट काउंट करते हैं तो फिर हमें उसमें से प्रॉफिट जो है ना वो नज़र आता है, ठीक है, सम टाइम हमें डायरेक्टली उसमें प्रॉफिट ही नज़र आता है। तो ये देखें, ये 27.99 की है ये, और 24 आवर्स वाले, तो हम कौन सी ढूंढ रहे थे? ये अभी ओपन हो जाता है, और इधर राइट साइड पे देखें जो हमने सर्च की थी किसके थ्रू? पिक्चर के थ्रू। तो देखें सेम पिक्चर हमें दिखा रहा है youboy.co.in, ठीक है, amazon.com जी, कैंपिंग स्टेड इसमें हमें दिखा रहा है, ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है,
ये हमें शो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सेम बोटल, तो हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन इनको ओपन करते जाते हैं और इसमें देखते जाते हैं कि कहाँ से हमें ये सस्ती मिल रही है। तो अगर आप पेज पे इसको ओपन करना चाहे, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये एक पेज पे ओपन हो जाएगा सारा। हाँ देखना, हमें सस्ती जहाँ से मिलेगी वो हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने आपको एक रफ सा ओवरव्यू दिया है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ ये भी है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम कोई ब्रांड अप्रूवल नहीं लेते, यानी हम वो ब्रांड्स लेते हैं जो इजीली हमें मी टू करने देते हैं, यानी अपने लिस्टिंग पे सेलिंग की परमिशन देते हैं। अब इस चीज़ को हम चेक कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी आपको बता देते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे चेक करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए अपना एक अकाउंट चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर अकाउंट हो तो आप डेफिनेटली, जब आपने सेलिंग करनी है तो आपके पास अकाउंट होगा। अकाउंट होगा तो आप क्या करेंगे, आप जो है इस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करेंगे। एसिन जो है यहाँ, तो इसकी यहाँ डिटेल होगी, डिटेल में यहाँ ये देखें ना, प्रोडक्ट की डिटेल है सेलर, और ये जी इसका एसिन है, ये इस लिस्टिंग का ये एसिन है। दूसरा एसिन ये ऊपर देखें सर्च बार के ऊपर, ये देखें ना, ये दो स्लैश के दरमियान, तो इसको क्लिक करेंगे ना, ये देखें एसिन आ गया इसका, ये देखें और ये देखें, ये दोनों एसिन क्या हैं, सेम है, यानी अमेज़न सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये, यानी जो एक लिस्ट आप करते हैं उसमें अमेज़न आपको एक नंबर देता है एसन। आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आप अपने सेलर सेंटर में चले जाएं, यहाँ पे जो है वो ऐड प्रोडक्ट करेंगे आप, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन कैटलॉग, यहाँ पे जाके आपने एसन पेस्ट कर देना है और सर्च करेंगे आप, वो सेम प्रोडक्ट जो है ये देखना, सेम प्रोडक्ट आ गया। अब ये क्या आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करें, न्यू, कहता है सेल दिस प्रोडक्ट। अब वो कह रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, बाज़ का इधर आता है अप्लाई टू सेल, तो आप नीचे शो लिमिटेशन में जाके देख लें कि उसकी लिमिटेशन क्या है। इसने भी कुछ लिमिटेशन लगाई हुई हैं, कहता है यू कैन नॉट लिस्ट द प्रोडक्ट इन दिस, किस कौन सी कंडीशन में, कलेक्टिबल रिफर्बिश कंडीशन। क्या मतलब कि आप यूज़ की हुई जो है वो सेल नहीं कर सकते, ये इसने लिमिटेशन लगाई हुई है। हाँ न्यू आपके पास है तो वो देख लें, वो कह रहा है मैं न्यू में गया हूँ तो उसने कहा सेल दिस प्रोडक्ट, और अगर मैं यूज्ड में जाता हूँ तो फिर भी क्या है, क्या कह रहा है, लेकिन वो जो लिमिटेशन है वो किसके लिए है। इसमें तीन चार कंडीशंस होती हैं ना, कलेक्टिबल रिफर्बिश जो है, या कह लेंगे इसमें जो रिपेयर हुई है, ये उसकी बात कर रहा है, कुछ रिपेयर हुई होती है ना, तो कहते हैं वो इस, यानी ज़्यादा बुरी हालत वाली जो है वो आप सेल नहीं करते। तो यहाँ मेरा पर्पस है आपको दिखाना कि आप एसन पुट करते हैं, ये कहता है सेल दिस प्रोडक्ट, आप बिला झिझक इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम मुख्तलिफ टूल हैं, टूल्स के ज़रिए भी हम देख लेते हैं कि हमें आईपी कंप्लेन तो नहीं आएगा। बाज़ का इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं जिसमें लिखा होता है सेल दिस प्रोडक्ट, लेकिन जब हम उसको सेल करते हैं तो बाज़ का तो वो ब्रांड हमें जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम जो है वो कर लेता है, क्योंकि ये ब्रांड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्लेम कर लेता है। तो वो हम मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए जो है वो इसको चेक कर
कर लेते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट हम बता मैं आपको बताऊंगा किस टूल से क्या क्या चीज़ें जब हम प्रोडक्ट वैल्यूएशन में आएंगे। क्या कर दे फिर हमें उसको बताना पड़ता है ना, आई पी कंप्लेन हम वो लिस्ट रिमूव कर देते हैं कोई भी, उसमें फिर हम वो केस फाइल करते हैं ना, हम केस ओपन करते हैं। नहीं ये ब्रांड की मर्जी है वो अप्रूवल किस वजह से नहीं देता। अब बाज़ ब्रांड होते हैं वो जो अप्रूवल के लिए वो कहते हैं हमसे परमिशन ले। इसमें ज़्यादातर होता है कि ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रांड हो जाते हैं उनको पता होता है कि हमारी प्रोडक्ट सेल होनी ही होनी है, और उनको उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा होती है और अच्छे ब्रांड होते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का कुछ मिसयूज़ हो लोग, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि जो भी हमारी प्रोडक्ट सेल करे वो हमसे पहले परमिशन ले, हम खुद उसको इन्वेंट्री देंगे या अपने ऑथेंटिक सप्लायर उसको बताएंगे और वो उनके पास से वो माल जो है वो बाय करें। वही ना ऑथेंटिक सप्लायर होंगे ना, तो यहाँ पे भी ऐसे है ना कि अगर आपको आपके पास सप्लायर ऐसे हैं कि जिनकी इन्वाइसिस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, तो अगर आपने उससे लिया हो, अगर अमेज़ॉन आपसे इन्वाइसिस मांगे आप उसको इन्वाइसिस दे सकते हैं, ठीक है। अब अमेज़ॉन हर सप्लायर की जो इन्वाइसिस है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। वो जो अच्छे अच्छे सप्लायर हैं जो अमेज़ॉन की लिस्ट में हैं अच्छे हैं, तो उनकी इनवाइस वो एक्सेप्ट करता है, तो अगर आपने वहाँ से बाय किया तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होती। आप इनवाइस बाज़ का तो इनवाइस मांगता है, बाज़ का तो आईपी कंप्लेन ब्रांड की तरफ से आ जाता है कि इस बंदे ने मुझसे अप्रूवल नहीं लिया हुआ और उसने ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की हुई है। तो इसमें हम जो शॉर्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट है या जहाँ जैसे अभी मैंने दिखाया जिसमें आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो हम जो है वो सेल करते हैं। टूल अच्छा जी, अब इसके लिए जो आपको टूल रिक्वायरमेंट है, तो होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए जो बेस्ट टूल है वो है कीपा, ठीक है। कीपा के थ्रू जो है हम चेक कर लेते हैं बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है, इसी तरह उसमें सेलर कितने बैठे हुए हैं, FBA सेलर कितने हैं, FBM कितने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस का इसका ग्राफ वगैरह ये सारा कुछ हमें जो है ना कीपा जो है ना वो बता देता है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे साथ कीपा का। नहीं वो थोड़ी बताएगा सेलर, हमने तो स्टैट्स को देखते हुए खुद ऑब्जर्व करना है। हाँ वो यही है ना, हाँ जी कीपा, अभी हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि कीपा के थ्रू हम किस तरह क्या क्या चीज़ें कीपा हमें दिखाता है। देखें होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए जो प्रोडक्ट हंटिंग है, तो पहला स्टेप है कि एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढना, तो वो हम कीपा के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यानी कीपा में के थ्रू भी हम प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। ये कीपा का जो है वो इंटरफेस है इसकी वेब का, ये टूल आप परचेज़ कर लें, डायरेक्ट लॉगिन परचेज़ कर लें या आप किसी से जो बाय कर लें चीप प्राइस में। तो इसमें देखें ये जो सर्च है और डाटा है, डाटा और सर्च। सर्च में हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट का एसएन पुट करते हैं और ये हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल बताता है। जैसे मैंने अभी ये इस प्रोडक्ट का एसएन कॉपी किया हुआ था, ये मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे हम ये मैंने सर्च पे क्लिक किया, तो अब ये जो प्रोडक्ट है जिसका हमने चेक भी किया है अमेज़ॉन पे कि हमें जो है इसकी परमिशन है कि हम इसको सेल कर सकते हैं, अब ये देखिएगा इसने देखें ये सेम वही प्रोडक्ट ओपन कर दी है, कहता है बाय बॉक्स प्राइस ये है और ऑलरेडी हम मैंने आपको बताया था कि वहाँ अमेज़ॉन सेल कर रहा है, कहते हैं अमेज़ॉन की प्राइस ये है, न्यू जो है वो इसकी प्राइस ये चल रही है, यूज्ड की प्राइस ये चल रही है, ये आगे तो उसने ईबे का बताया ना, हम ईबे पे नहीं इसको ट्रैक कर रहे, ये है अमेज़ॉन प्राइस हिस्ट्री,
ये देखें, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो यहाँ जहाँ भी आप ये एरो लेके आएंगे ना, तो इसमें ऊपर देखें अमेजोन की, ये कब की प्राइस है, मई 8 की, मई 8 में अमेजोन की प्राइस 22, न्यू की 15 थी, और बाय बॉक्स प्राइस 22 थी, और यूज की 16, और रेटिंग है 4.8, सेल्स रैंक है 3। ये नीचे नीचे जाते जाएंगे तो आपको सारे रिव्यू काउंट है 15,146, और न्यू ऑफर काउंट 10। न्यू ऑफर काउंट का मतलब होता है कि इस पे कितने सेलर बैठे हुए हैं, कितने बैठे हुए हैं जी, 10 लास्ट में जो आपको शो हो रहा है। यानी मैंने आपको ऊपर से लेकर नीचे तक बताया, अमेजोन 22, न्यू 15, बाय बॉक्स 22, यूज 16, और रेटिंग 4.8, सेल्स रैंक 3 है। अब देखें ना, सेल्स रैंक 3 का क्या मतलब है, सेल्स रैंक जितना कम होता है उसकी सेल ज़्यादा होती है, ठीक है, BSR, रिव्यू काउंट और न्यू ऑफर काउंट। तो ये आप चेक कर लेते हैं कि प्राइस कब कम हुई है, कब ज़्यादा हुई है। फिर आप इस ग्राफ में जाएंगे तो इधर अमेजोन के ऊपर आप ये एरो लेके आए, तो ये येलो सारा जो ऑरेंज आ रहा है, ये किसका आ रहा है, क्या मतलब कि मई 8 से लेकर अगस्त तक ये अमेजोन के पास बाय बॉक्स रहा है, ठीक है। दरमियान में कहीं पे देखें, न्यू पे जाएं, ये तो न्यू की प्राइस आ गई ना हमारे पास, ये सपोज मैं, और ये क्या है जी, सेल्स रैंक। लेकिन सेल्स रैंक को अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, कभी ऊपर गया है। सपोज मैं दरमियान में ये जो जुलाई 6, यहाँ से जुलाई 6 से 24 तक जो है ऊपर गया है, और फिर ऊपर कहाँ तक गया है, सेल्स रैंक देखें कहाँ तक गया है, 692 है। तो कोई नहीं है ये, इसका मतलब इस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा है, 600 तक इसका ये सेल्स रैंक है, ठीक है। ये इसके ना ग्राफ है, ये रेटिंग का रिव्यू काउंट का ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं इसमें कि रेटिंग कब इसकी कम हुई कब ज़्यादा। ये यूज्ड का है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी इसके स्टैटिस्टिक्स, वैसे हम स्टैटिस्टिक्स में यहाँ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और यहाँ से हम स्टैटिस्टिक्स में ही चेक कर लेते हैं ऊपर, अमेजोन देख लें ऊपर, लोवेस्ट करंट पहला लेफ्ट कॉलम है, लोवेस्ट करंट हाईएस्ट एवरेज, यानी अमेजोन की जो लोवेस्ट प्राइस रही है 16.22, और करंट है 23, हाईएस्ट 38, और एवरेज 24। यानी अमेजोन जो इसमें इन्वॉल्व है, अमेजोन ने इसको कितनी कितनी प्राइस पे कब कब सेल किया है, ये आपको बता देता है। न्यू में जब आप जाएंगे तो न्यू में प्राइस शो कर रहा है अमेजोन के अलावा, जो नए नए पीस की प्राइस की बात कर रहा है, $10, 22, 49, 21, 21, 16, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा है लोवेस्ट का कब रही है, और फिर उसके बाद 1 आवर अगो 22 की थी, और December 4, 2022 में 49 की भी रही है हाईएस्ट, और लास्ट 90 डे में इसकी एवरेज 21 है, उसके बाद यूज्ड की है। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है सेल्स रैंक, तो सेल्स रैंक देख ले, 133,250 रहा है कब, 2022 में, December 16, 2022 में, इसका मतलब इसकी सेल उस वक्त कम थी। 90 डेज में इसका रैंक कितना है, 52, यानी 90 डेज, 90 दिन उसकी जो एवरेज रही है सेल्स रैंक की 52 है जी, इसको देख रहे हैं। और फिर उसके बाद लास्ट 180 डेज, जो लास्ट सेल्स रैंक का कॉलम है उसमें देखें, 180 डेज में 72, और पर मंथ 40 रैंक इसका रहा है, यानी इसका सेल्स रैंक काफ़ी कम है, इसका मतलब इसकी सेल अच्छी है, ठीक है। तो सेल्स रैंक के अकॉर्डिंगली सेल्स जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है
ठीक है, ये 3 महीने का इसमें शो कर रहा है, ये देखे ना यहाँ पे क्या है, 3 मंथ्स। हम पूरे साल के स्टैट देखना चाहते हैं तो पूरे साल के आ जाएंगे। हाँ जी, ऑल अब इस प्रोडक्ट को लगे हुए 1240 दिन हो गए हैं जी, तकरीबन 4 साल से लगी हुई है, तकरीबन 3-4 साल। अब ये ऑल टाइम का सारा इसका ये ग्राफ है, इसमें आप ना इसको डिटेल में थॉरली चेक कर सकते हैं कि अमेज़ॉन कभी यहाँ से रिमूव हुआ है या नहीं। ये देखें ना दरमियान में कहीं कहीं गैप लग रहा है कि ये देखें कि अमेज़ॉन यहाँ देखें ना, यहाँ अमेज़ॉन नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा आप इसको इसका डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। ये कीपा जो है वो आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट आप जो है इसको क्लिक करते हैं और डाटा में चले जाते हैं। ये हमने प्रोडक्ट ओपन की हुई है, इसमें हमने इसकी अमेज़ॉन प्राइस हिस्ट्री, ये शुरू वाला मैं बता दूंगा जहां से आपने उसको ना करना है उसके साथ जो, ये तो अभी इनको थोड़ा सा बता रहा है, इसको थोड़ा सा इनको बता रहा हूँ। कल हम देख रहे थे कि अमेज़ॉन प्राइस हिस्ट्री जो है यहाँ, ये मैंने आपको डिटेल में इसका ग्राफ सारा बता दिया था स्टैटिस्टिक के बारे में, अमेज़ॉन न्यू यूज़ की प्राइस और उसका सेल्स रैंक, उसका रैंक काफ़ी अच्छा है लेकिन इसमें अमेज़ॉन बैठा हुआ है। तो यहाँ हम जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ किसका, ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम काम कैसे करते हैं। हमने एक प्रोडक्ट देखी अमेज़ॉन पे, फिर उसमें देखा सेलर कितने हैं, FBA कौन कर रहा है, FBM कौन कर रहा है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद कीपा में हमने उसका एस इनपुट किया और इसके ये ग्राफ को स्टडी करना मैंने आपको बताया कि ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, और कल हमारी वीडियो स्टॉप हुई थी यहाँ पे जब हम डाटा पे गए थे। ठीक है, तो ये डाटा जो है ये ओपन हो गया है। डाटा में सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी ना डिटेल ये कीपा हमें शो करवाता है, उसका टाइटल, सेल्स रैंक, ठीक है, बॉट इन पास्ट यानी 5000 प्लस पीसीज इसके मंथ के अंदर क्या हो गया, खरीदे जा चुके हैं, सेल ये इधर ही बता दी इसने हमें, रिव्यू रेटिंग क्या है, रिव्यू काउंट कितने हैं, लास्ट प्राइस चेंज यानी जो आखिरी इसकी प्राइस चेंज हुई है कब हुई है, 34 मिनट्स अगो, यानी इसमें जो सेलर बैठे होते हैं वो प्राइस को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं ना, तो प्राइस चेंज जो इसकी हुई है वो 34 मिनट। बाय बॉक्स सेलर अमेज़ॉन खुद है, amazon.com, बाय बॉक्स इज FBA, FBA से मुराद है कि अब अमेज़ॉन के पास है डेफिनेटली अमेज़ॉन अपने गोदाम से भेजेगा ना, तो अगर अमेज़ॉन के अलावा भी कोई सेलर होता तो और इधर FBA होता है तो इसका मतलब है कि वो अमेज़ॉन पे अपनी इन्वेंट्री भेज के उसको सेल कर रहा है। FBA पिक पैक फीस, रेफरल फीस, ये तो फीसिस के बारे में ये सारी डिटेल जो है ना वही हमें बता रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट को ट्रैक 2020 से ये डेट बताई है, लिस्टेड कब से हुई है ये भी इसकी डेट उसने बताई है। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ देखने ये प्रोडक्ट डिमेंशन हर चीज़ इसमें बता रहा है, साइज़ ये वैसे भी प्रोडक्ट की डिटेल पेज के ऊपर भी होता है। अच्छा, हम इसमें से क्या चीज़ देखते हैं जब हमने प्रोडक्ट को चूज़ करना होता है, हमने ये देखे यहाँ पे है सेल्स रैंक। तो पहले जो ग्राफ के अंदर सेल्स रैंक देखा हमने स्टैटिस्टिक में जाके, तो स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा कि उसका सेल्स रैंक काफ़ी अच्छा है, 1 है 3 है इस तरह। तो ये हमें सेल्स रैंक दिखा रहा है कि 30 डे की एवरेज कितनी है इसकी, 147, 60 डेज की एवरेज कितनी है, 75, 90 डेज की एवरेज कितनी है, 53, क्योंकि कम कम ज़्यादा होता रहता है ना, तो ओवरऑल 90 डेज की एवरेज क्या है वो, तो हम ज़्यादातर देखते हैं 90 डेज यानी 3 महीनों की एवरेज कितनी रही है, 53 है। इसका मतलब है कि इसका जो सेल्स रैंक है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, इसकी सेल कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छी सेल इसकी जा रही है। अच्छा जी, ड्रॉप यानी सेल्स रैंक ड्रॉप कितना हुआ है 30 डे में और 90 डे में, 180 डे में, तो इसको नहीं देखते आप, सिर्फ इसको देख लें बस, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद ये प्राइसेस हैं, बाय बॉक्स की प्राइस 90 डेज में एवरेज रही है 24,
180 डे में 24 रही है बाय बॉक्स की जो प्राइस है, ये बता रहा है कि ये अमेजोन की प्राइस 90 डे में कितनी रही है, 180 डे में कितनी रही है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद ये न्यू की, यानी इसमें मैंने आपको बताया न्यू भी सेल होती है प्रोडक्ट और यूज्ड भी सेल होती है। तो क्योंकि हम अगर न्यू सेल कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि न्यू की 90 डे एवरेज कितनी रही है, 21.47, ठीक है। तो करंट प्राइस क्या है, 24 है करंट, अभी मौजूदा प्राइस है 24। अब देखना ये चीज़ काउंट होती है जब आप प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। अगर आप करंट प्राइस पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन, तो करंट प्राइस में भी अभी उसकी प्राइस हाई हुई है, हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे 90 डे एवरेज के लिहाज से 21.47, फिर उसमें से देखेंगे कि हमें कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा, या कितने परसेंट हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्यों एवरेज बेस पे क्यों आप लेंगे, कि कभी प्राइस कम होती है कभी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एवरेज को अगर आप ले लेंगे तो आपका एनालिसिस सही हो जाएगा, आपको कोई लॉस नहीं इतना होगा, ठीक है। अब ज़्यादा हो जाए तो हमारा बेनिफिट है 21 से ज़्यादा। तो ये न्यू में आके 90 डे की एवरेज देखते हैं हम, बाकी इसमें आगे यूज्ड है, यूज्ड को तो हमने देखना ही नहीं है। वेयर हाउस की डील्स का मतलब है कि जो अमेजोन वेयर हाउस है, क्योंकि इसमें वेयर हाउस भी इन्वॉल्व था, उसकी डील क्या दे रहा है वो, ठीक है। अब एक चीज़ जो मेन जो नीचे ये देखने वाली है, न्यू ऑफर काउंट। ये ऑफर काउंट का मतलब है सेलर्स, क्या जी, सेलर्स। अब ये आपने देखना है कि 90 डे में कितने सेलर रहे हैं, 8, 30 डे में 6, और करंट 5। तो सेलर क्या हुए हैं, कम हुए हैं सेलर। तो दो तीन सेलर कम होने से ये भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हों, तो इसलिए वो लिस्ट से रिमूव कर दिया उन्होंने, अभी एक्टिव नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर तो हम देखते हैं कि ज़्यादा सेलर जो है वो क्या हो रहे हैं, न्यू के अंदर ज़्यादा सेलर क्या हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें ये भी चांसेस है कि इस पर आईपी कंप्लेन आएगा, ठीक है। इससे हम इसको ज़रूर काउंट करते हैं। वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी होती है कि जिसमें सेलर ऐड हो रहे होते हैं, सेलर आ रहे हैं सेल पर, तो इसका मतलब है उसकी बाय बॉक्स की रोटेशन या उसमें सारे स्टैटिस्टिक्स अच्छे हैं, इसलिए जो है 180 डे की एवरेज में 9 है, 90 डे की एवरेज में 8 रह गए हैं, 30 डे में ये 6 रह गए हैं, करंट ये 5 रह गए हैं। ये सिर्फ मैं न्यू की बात कर रहा हूँ, यूज्ड को नहीं मैं देख रहा, क्योंकि हम न्यू को सेल कर रहे हैं ना, अब यूज्ड वाले वो अलग हैं, तो ये मैं देख रहा हूँ। तो अगर सेलर ज़्यादा कम हो रहे हैं तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि हो सकता है इस पर आईपी कंप्लेन आता हो, जिसकी वजह से यानी जो ड्रॉप ये आर्बिट्राज करने वाले हैं वो इसको मीटू करते हैं, तो एक इन्वेंट्री सेल की है दूसरी सेल करने लगते हैं आईपी कंप्लेन आ जाता है, या इन्वेंट्री भेजते हैं तो आईपी कंप्लेन आ जाता है। तो आईपी कंप्लेन वाली प्रोडक्ट जो है वो हम चूज नहीं करते। तो ये जो सेलर का कम होना है ये भी हमें इंडिकेशन देता है, फिर इससे हम क्या होते हैं, और ये भी हो सकता है कि सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, एक दो गए हैं तो कोई मसला नहीं इतना होता, ज़्यादा सेलर कम हो गए हैं तो फिर उसमें इशू हो सकता है कि ज़्यादा सेलर क्यों कम हो, ठीक है। ये चीज़ हम देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में, ठीक है। तो ये देखें ये कीपा हमें ईच एंड एवरी थिंग, हर एक चीज़ इसके बारे में हमें ना बता रहा है। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। अब बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में ये देखें आ रहा है 30 जो है वो बोल्ड हुआ है, तो ये हमें अब हमें ये पिछले आज से महीना पहले के सारे बाय बॉक्स दिखा रहे हैं, और उसमें देख लें अमेजोन के पास अभी स्टॉक है 1000 प्लस, और बाकियों का इनका स्टॉक पता नहीं है, और इसका है 5 और इसके पास 17 यूनिट है। ये कितने सेलर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेलर हैं, और ये इनकी प्राइसेस दी गई हैं, और ये बताया गया है कि बाय बॉक्स 1 की परसेंटेज 99% तो अमेज़न के पास है एक महीने से,
यानी अगर 100 यूनिट 100 दफ़ा रोटेशन हुई है तो 99 टाइम जो है अमेजोन को मिली है रोटेशन, ठीक है। यानी 99% जो माल है, जो प्रोडक्ट सेल हुई है, वो अमेजोन की सेल हुई है, और बाकी देखें लेस देन 1%, यानी 1% में बाकियों को हिस्सा मिला है। तो ये चीज़ हम बेसिकली, ये चीज़ अलार्मिंग होती है, इसको ज़रूर हम चेक करते हैं। फिर हम 90 डे में देख लेते हैं कि 3 महीने तक, 3 महीने में क्या रहा है। अब 3 माह अगर देखेंगे तो 92% अमेजोन स्टिल अमेजोन के पास रहा है, और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा मिला, ठीक है। और यहाँ सेलर, तो इसीलिए आप देखें ना कि पहले सेलर ज़्यादा थे, फिर सेलर क्या हो गए, कम होते जाते हैं। ये रोटेशन का बताया ना। अब ये देखें यहाँ पे लास्ट मंथ डिटेल होती है, जस्ट नाउ, यानी अभी अमेजोन के पास है, इसके पास 2 महीने पहले गया था, 56 डे पहले, 55 डेज, 28 डे, 54 डेज पहले, 2 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ, 40 डेज, 2 मंथ, 7 डेज अगो, 7 दिन पहले, 1 आवर अगो, यानी 1 घंटा पहले ये जो है जे एस इनोवेट LLC इसके पास गया था 1 घंटा पहले। अभी इसके पास 17 इन्वेंट्री है, ठीक है। तो 1 घंटा पहले इसके पास गया है, ये 30 डेज में भी देखेंगे इसमें ये शो हो जाएगा कि 1 आवर अगो इसके पास गया था। यानी ये नहीं है कि रोटेशन दूसरों को नहीं मिलती, रोटेशन मिलती है दूसरों को भी ना। अब देखें ना अमेजोन की प्राइस हाई है, इसने लगाई है 22.50, अमेजोन से कम प्राइस, तो अमेजोन से कम प्राइस लगाएंगे तो फिर आपकी सेल हो। तो इसमें जो जब अमेजोन होता है तो बहुत से सेलर जो है वो उसमें जाते ही नहीं है। हाँ, हाई रिव्यूज़ वाले जो होते हैं वो में भी चले गए। अब ये देखना इसके रिव्यूज़ काउंट 12 है, इसके है 1442 हैं, ठीक है। यानी ज़्यादा रिव्यूज़ वाला कम्पीट कर सकता है, या आपको सोर्सिंग प्राइस काफ़ी कम मिली है तो फिर आप जा सकते हैं कि आप अमेजोन से कम प्राइस करके तो इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो अवॉइड ही करना जो है ना वो बेहतर है कि जहाँ अमेजोन हो। तो यहाँ हमारा मेरा पर्पस था आपको बताना कि कीपा के थ्रू हम इसमें क्या देखते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं तो देखने के बाद फिर हम फाइनलाइज करते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बाय करनी है और उसको लॉन्च करना है या नहीं करना। तो कीपा में हम मेन यही चीज़ें देखते हैं, एसेट पुट करने के बाद अमेजोन की प्राइस हिस्ट्री, ये प्राइस हिस्ट्री सारे सेलर्स की यानी अमेजोन की, और उसमें ये भी चेक हो जाता है कि अमेजोन है या नहीं है, ठीक है। और ग्राफ 3 मंथ्स ईयर और ऑल टाइम, और फिर इसमें ये स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, और फिर जब आप डाटा में जाएंगे तो प्रोडक्ट डिटेल देख लेंगे और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे, जिसमें बाय बॉक्स, अब कहीं पे 25% 30% इस तरह बाय बॉक्स की रोटेशन आप यहाँ से चेक कर लें तो आप देखें 1 महीने के अंदर बार बार किसी को 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरह मिलती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी है, इसमें बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। और दूसरा ये देखें कि इसमें कम रिव्यूज़ वाले कितने लोग हैं, अब देखना इनका रिव्यू 0 है, तो कम ये रिव्यूज़ वाले ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब अगर हमारा नया अकाउंट है या हमारे रिव्यूज़ कम है तो हम भी इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर तो प्राइस स्टेबल हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एक जैसी सबने करीब करीब प्राइस लगाई है, तो जहाँ प्राइस वेरिएशन ज़्यादा होती है इसका मतलब वहाँ पर प्राइस वार चल रही है। तो फिर हम उसमें देखें जो लो प्राइस है उसके तहत हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है। अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अभी ये भी डिपेंड करता है, बाद लोग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी प्रोडक्ट कर लेते हैं, 25% पे भी, 30, और बाद लोग जो है कहते हैं नहीं 50% होना चाहिए, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो कीपा जो है वो हमें प्रोडक्ट, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, एक कीपा का ये फीचर है, ठीक है। हमने क्या किया, प्रोडक्ट ओपन की और उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखी। दूसरी बात, यानी कीपा का सेकंड जो फीचर है डाटा, इस डाटा के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ फिल्टर लगा के प्रोडक्ट को फंड कर सकते हैं।
जी प्रोडक्ट व्यूअर प्रीमियम डाटा असेस है, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स और टॉप सेलर लिस्ट, यानी अगर आप टॉप सेलर लिस्ट निकालना चाहते हैं, कैटेगरी ट्री है, यानी कैटेगरी सब कैटेगरी कैटेगरी को ब्रोज करना चाहें तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टॉप सेलर देखने इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स यानी बेस्ट सेलर्स कौन से हैं प्रोडक्ट अंदर, व्यू दी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन अमेजोन बाय कैटेगरी, लिस्ट आर अपडेटेड एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे के बाद ये लिस्ट अपडेट होती है। प्रोडक्ट व्यूअर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ह्यूज प्रोडक्ट लिस्ट टू व्यू ऑल प्राइसेस एंड प्रोडक्ट डिटेल्स एट ए, यानी एक ही पेज के ऊपर आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। प्रीमियम डाटा सेस फाइंड प्रोडक्ट मैचिंग एनी क्राइटेरिया बाय सर्चिंग ओवर इंटायर प्रोडक्ट डाटा बेस, यानी इसमें अगर हमने कोई प्रोडक्ट देखनी है, ठीक है, मसलन अगर प्रोडक्ट हंटिंग का हम यहाँ पे क्राइटेरिया लगा के प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, अब ये भी हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि उसमें किस तरह किस क्राइटेरिया के तहत वो प्रोडक्ट को देखता है, तो जो प्रोडक्ट को सर्च करना होता है ना वो अपने क्राइटेरिया को लगा के फिर हमने सर्च करना होता है। तो ये जो हमें कीपा है यहाँ पे हम मुख्तलिफ फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर लगाने के बाद ठीक है ये हमें प्रोडक्ट फाइंड करके देता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा ना वो होगा प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, ठीक है। आज मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है किसका, ऑनलाइन आर्बिट्राज का इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि कैसे हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में वर्क करते हैं, हमने एक प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स में देखी, फिर हमने उसकी सोर्सिंग के लिए हमने उसको गूगल पे सर्च किया पिक्चर के थ्रू और उसके टाइटल के थ्रू सर्च किया, फिर उसके बाद कीपा जो टूल है इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया, इसमें जो डिटेल वर्क है वो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग में और जब प्रोडक्ट की वैल्यूएशन में आएंगे फिर हम इसका डिटेल वर्क करेंगे।